तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं सोशल इलेक्ट्रिकल। भाइयों, इस फ्रिज में चाकू लग गया था और इसमें पानी के साथ साथ हमारा ऑयल भी जमा हो गया, उसकी सफाई करेंगे। दोस्तों, ये हमने जुगाड़ बनाया है, इसमें केमिकल भर के इसमें हम प्रेशर लगाकर सफाई करेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास कंप्रेसर है जिसके हेल्प से हम इसमें प्रेशर डालकर सफाई करेंगे। दोस्तों, पहले हम इसे जॉइंट कर लेंगे, जॉइंट करने के बाद ही हम इसमें केमिकल भरेंगे। दोस्तों, हमारा जॉइंट लग गया है और आपको केमिकल देख सकते हो किस तरीके से भरा जाएगा। पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो हमने जुगाड़ बनाया है केमिकल भरने का, चल भी रहा है कि नहीं। दोस्तों, ये हमारा जो कंडेंसर है इसमें हमें कपलर लगा लेना है। देख सकते हो भाइयों, हमने कपलर लगा लिया इसमें अच्छी तरीके से। ये लूज़ भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जो हमने जुगाड़ बनाया था इसमें हमें पहले केमिकल भर लेना है। दोस्तों, ये केमिकल कौन सा है? दोस्तों, ये CTC है, आपको बता दूं मैं, ये CTC है दोस्तों। और ये हम सिरंज की हेल्प से हम इसमें केमिकल भर रहे हैं। दोस्तों, इस फ्रिज जो है हमारी कंडेंसर कोयल है, इसमें बहुत सारा गंदगी निकली है और बहुत ही सारा गंद पानी में मिक्स हुआ था, जो हमारा तेल, उस तरीके की गंदगी निकल रही है। हम आपको दिखाने वाले हैं, पहले हम इसे सिरंज से भर देंगे अच्छी तरीके से, जब भी आपको इस गंदगी को दिखाएंगे। दोस्तों, गंदगी देखकर जाना, बहुत ही बेकार गंद निकला है और हम उसकी अच्छी तरीके से सफाई करेंगे, बिल्कुल भी गंद नहीं छोड़ना है हमें। दोस्तों, हमने, आप देख सकते हो, केमिकल भरने के बाद हमने इसमें चार्जिंग लाइन लगा ली है, देख सकते हो। अब ये चार्जिंग लाइन हम इस कपलर में जोड़ देंगे। हमने चार्जिंग लाइन, देख सकते हो, कपलर में जोड़ रहे हैं। दोस्तों, अब इसमें हमारा केमिकल भरा हुआ है, अब इसमें को जो है हमारा केमिकल निकलेगा। तो दोस्तों, हम फ्रिज के तार लगा रहे हैं। दोस्तों, फ्रिज हमने चालू कर दिया है और देख सकते हो आप किस तरीके से हमारा गंद निकला हुआ है। हमें इस गंद को अच्छी तरीके से साफ़ करना है। दोस्तों, ये गंद कहीं का है? फ्रिज में चाकू लग गया था तो ये पानी और जो हमारा तेल है मिक्स होकर ऐसा गंद बना हुआ है दोस्तों, घूम घूम कर। तो दोस्तों, हमें ये अच्छी तरीके से साफ़ करना है और जो इसके अंदर पानी है हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और दोस्तों, आपको बता दूँ, ये वीडियो हम हेल्प के लिए बना रहे हैं आपकी, जिससे कि आपको बिल्कुल पूरी हेल्प मिले और आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप बताना कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप बताना आप कहाँ के रहने वाले हो। दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो डालने का। दोस्तों, हमें इसके गंद को अच्छी तरीके से साफ़ करना है, देख सकते हो आप किस तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको साफ़ करना है, इसके अंदर बहुत सारा गंद भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो हमें ये गंदगी साफ़ करनी है। हमें जब तक साफ़ करनी है जब तक ये नहीं होगा। दोस्तों, अब हम इसमें दोबारा केमिकल डालेंगे। दोस्तों, हमने इसमें केमिकल डाल दिया और फ्रिज को चालू कर दिया है। अब दोस्तों, दोबारा केमिकल डालने के बाद देख सकते हो हमारा केमिकल किस तरीके से निकल रहा है। दोस्तों, इस केमिकल का दोबारा नाम बताना चाहता हूँ मैं, इस केमिकल का नाम है CTC, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा मार्केट में। दोस्तों, अब हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ, जो हम वीडियो को काट रहे हैं जब तक आपको केमिकल को से साफ़ करना है, जब तक हमारा अच्छी तरीके से नहीं होता साफ। दोस्तों, देख सकते हो किस तरीके से गंद निकल रहा है। अब दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा गंद अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। हमने 2 से 3 बार केमिकल डाला और हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। आपको भी ऐसे ही साफ़ करना है तो दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।